सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जिम में वर्कआउट करने के लिए आ गए, अपना तो यही रूटीन है। जिम में आके सुबह मॉर्निंग कार्डियो करना लेते हैं। अभी जिम देखो पूरा खाली पड़ा, ऊपर कार्डियो का सेक्शन। कार्डियो कहाँ ही करते हैं लोग, बहुत कम ध्यान देते हैं। जब मोटे हो जाते हैं तभी जिम में आते हैं। गाइस बॉडी पहले से बहुत अच्छी हो गई है और बहुत ज्यादा फैट कम हो गया है और अब तो भाई एब्स भी दिखने लगे हैं मेरे। यहाँ पे रोशनी है थोड़े इसलिए ढंग से नहीं दिखाई दे रहे। और अभी सोनम का फोन आया है, एब्स वगैरह कार्डियो तो ठीक है। उसने बोला है कि सब्जी लेके फटाफट से घर पे आ जा भाई, ये होती है शादीशुदा आदमी की जिंदगी। तो बस अपना वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, अब सीधा चलते हैं घर पे। लास्ट एक्सरसाइज अपनी बची है वो है प्लैंक। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है गाइस, करा करो। सो गाइस वर्कआउट इज डन। भाई आज मौसम भी बहुत अच्छा है सुबह से। की गाड़ी तो गई हुई है सर्विस पे और मैं आर्यन की गाड़ी लेकर आया हूँ आज। बार बार फोन आ गया कि ये लिया ना वो लिया ना निया के लिए। तो गाइस अभी सोनम के लिए यहाँ से नारियल पानी लेके जाने और मैं भी भाई सोच रहा हूँ क्यों ना एक नारियल पानी पी लूं। हाँ भाई मिल गई चॉकलेट आपको, खोलूं? आप यही वेट कर रहे थे ना कब पापा आएंगे और कब चॉकलेट लाएंगे, है ना? और भाई क्या बना रहा आज? और तू ऐसी ऐसी चीजें क्यों बनाती है जो मेरा खाने का दिल कर जाता है डाइटिंग में? खा लिया करना, कौन रोकता है। गाइस कल भी मैंने बहुत सारा खा गया, मतलब कढ़ी बनाई थी भाई, रुका नहीं जाता। डाइटिंग करते है ना तो मतलब बहुत मन करता है खाने का। गर्मी इतनी हो रही है, जयपुर में बारिश हो रही है, पता है गाइस? गाइस नहीं आया ना छिपली से, इतना डरती है। मैंने छिपली बनाई है ऐसे ही रफली, मतलब मेरी छिपली को मत देखना आप। छिपली आ रही है, आप छिपली आ रही है। नहीं डराऊं? ठीक है फिर पूछ दे दो, नहीं डराऊंगा। ये होता है बच्चों को ब्लैकमेल। एक और दो जल्दी, नहीं तो मिटाऊंगा नहीं। ठीक जल्दी मिटाओ, खा जाएगी खा जाएगी। अभी आ रही है, अभी आ रही है। ये देखो गाइस छिपली से इतना डरती है ना ये लड़की, इसकी मम्मी भी डरती है और ये भी डरती है। मिटा दिया आपने छिपली? आए नहीं हो सुबह से? निया नहा के भी आना, आज अपन को बाहर चलना है अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने। अब ये किसको पीट रहे हो आप? क्यों इसने क्या बिगाड़ा है आपका? हाल बनाया आप? तेरी लड़की इतनी फट्टू है ना, मैंने छिपकली बना दी इसके अंदर है ना, इसके कार्डबोर्ड पे। अच्छा। और उससे डर के ऐसे भाग रही है, पापा मुझे मत डराओ, मैंने ब्लैकमेल करके पुचिया भी ले ली इसकी। एक रोटी का टुकड़ा खिला दो मुझे, बहुत तेज भूख लगी है। आराम से वीडियो आगे शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे कमेंट सेक्शन में काफी सारे कमेंट रहते हैं डायपर्स को लेके। तो मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बता ही देती हूँ यूजुअली कि भाई मैं कौन निया के लिए कौन से डायपर यूज़ करती हूँ, बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लव लैब के सुप्रीम पैंट्स। इसमें आपको 360 डिग्री स्किन केयर विद 10 मिलियन ब्रीदेबल पोर्स मिल जाते हैं, एलोवेरा की गुडनेस मिल जाती है और सुपीरियर रेस्ट प्रिवेंशन आपको मिल जाता है। ये डायपर दूसरे डायपर से बिल्कुल अलग है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है, इसीलिए मैं निया के लिए हमेशा से यही डायपर यूज़ करती हूँ सुप्रीम पैंट्स। इस डायपर में आपको 360 डिग्री केयर मिल जाती है और सुपीरियर एब्जॉर्बेंसी मिल जाती है 12 आवर्स तक, जिससे बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। इस डायपर में एलोवेरा की गुडनेस मिल जाती है जिससे सुपीरियर रैश प्रिवेंशन आपको मिल जाता है एंड सुपीरियर ब्रीदेबिलिटी मिल जाती है फॉर लॉन्ग लास्टिंग ड्राइनेस। एंड साथ ही आपको इसमें 5 लेयर सुपर लाइट कोर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही इस डायपर में आपको लीक लॉक प्रोटेक्शन भी मिल जाता है थाई एंड वेस्ट से एंड डिस्पोजेबल टेप भी होता है फॉर बेटर हाइजीन। एंड साथ ही ये डायपर वेटनेस इंडिकेटर भी देता है, जब ये पूरी तरह से वेट हो जाता है तो यहाँ ये ग्रीन में टर्न हो जाता है। ये 10 मिलियन ब्रीदेबल पोर्स के साथ आता है विद एयरी कम्फर्ट, बेबी को बहुत लाइट वेट फील करवाता है और लगता ही नहीं है कि बेबी ने कुछ वेयर भी किया हुआ है। तो गाइस मैं तो निया के लिए शुरू से ही लव लैब के सुप्रीम पैंट्स ही यूज कर रही हूँ। मैंने जब से इसको ट्राई करना शुरू किया है मेरा बेबी भी एकदम कंफर्टेबल फील करता है और मैं तो सुपर हैप्पी हूँ। डिस्क्रिप्शन में सुप्रीम पैंट्स का लिंक है, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हैं। खाना खा ले बिल्ली चुपचाप, बाहर चलना है। हंस बाद में लियो चुईया, खाना खा ले फटाफट से। तो भैया हम हो गए नहा धो के तैयार वही हॉस्पिटल जाने के लिए, पर इसके बाद ये लास्ट टेस्ट है हमारा। अब फिर हमारा चक्कर लगेगा 7th मंथ पे लास्ट में, वो शायद हम जयपुर ही कराए वो टेस्ट। निया हाँ गाइज, एक बंदे ने कमेंट, एक किसी ने कमेंट कर रखा था कि मणिपाल हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। किसी के पास क्लैरिफिकेशन हो तो प्लीज मुझे मेरे मेल में या शिफ्ट के मेल में जरूर देना। मेल में क्या, आप कमेंट में बता देना, भी बता सकते हैं कुछ भी, आपको कोई इश्यू है या कुछ भी, हम भी तो जाने। आप ये बताना कि भाई मणिपाल हॉस्पिटल क्यों अच्छा नहीं है, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो डेफिनेटली उससे हमारी हेल्प होगी, क्योंकि हर चीज अच्छी बुरी हो वो एक्सपीरियंस से ही पता चलती है। तो हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है दिल्ली के अंदर प्रेगनेंसी को लेकर, वो भी इस हॉस्पिटल के।
नहीं लेना चाहते इसलिए। वैसे हमारा मतलब 50-50% है कि 50% जयपुर 50% दिल्ली, बाकी हम फिर भी जरूर बताना कि जिनने कमेंट किया था कि क्यों अच्छा नहीं है हॉस्पिटल, जरा बताना मेरे को। तो भाई अभी तक सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया लग रही हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह सब चीज़ों से, डॉक्टर वगैरह सब चीज़ों से, मेरे को तो ऐसा कोई दिक्कत लगी नहीं। बाकी फिर भी आप ज़रूर कमेंट करना। ए, किसकी गाड़ी है ये, किसकी गाड़ी है ये? समथिंग फील डिफरेंट, इसीलिए इसको अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं है चाचू की गाड़ी है, भोले जी देखो भोले जी चले नहीं है को भी देख तो। ये देखो गाइस हम निया को ऐसे टांग के लेके जाते हैं, अभी देखो शक्ति की स्पीड कितनी तेज हो जाएगी और मैं तो बहुत पीछे रह जाती हूँ। बाय ओली निया, चलो भगवान जी को हाथ जोड़ के आओ, अभी वैसे जोड़ दिए इसने, हाथ दोबारा जोड़ कराओ, जाओ दिख जाएगी, देखो अंदर नहीं बाहर से ही जोड़ दो। हाँ ठीक है, आ जाओ अब, आ जाओ आ जाओ। तो गाइज अभी हमने हमारी रिपोर्ट ले ली है, वैसे तो रिपोर्ट हमारी नॉर्मल है, ये देखो यूरिन की रिपोर्ट है, ये हमने लास्ट टेस्ट करवाया था, तो अभी गाय ये यहाँ पे आके है ना मिट्टी की भर के ले जाती है हाथों में से और नीचे खेल के आती है। हाँ ये अब मम्मा को पकड़ के आओ, जाओ इसको है ना यहाँ पे इस हॉस्पिटल में खेलने का अच्छा बहाना मिल जाता है। इतना भाग के जल्दी आ, इसका क्राइटेरिया ही वही रहता है जहाँ पे हम रहते हैं। चलो तो गाइस निया को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी भाई कुछ टेस्ट होता है ना, लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड हुआ था तो जाके खड़ी हो गई थी, तो अभी जाके वहाँ पे बेबी की हार्ट बीट सुन रही है क्योंकि डॉक्टर बेबी की हार्ट बीट चेक कर रही है। और खतरों के खिलाड़ी खिलाड़ी निया क्या खाएगा बता, बर्गर खाएगा क्या खाएगा जल्दी बता दे, फिर खिलाऊंगा नहीं मैं बाद में। बेहोशी में नींद आ रही है इसको, रुक जा, क्योंकि यही टाइम होता है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट इसी टाइम पे, तो इसी टाइम इसको नींद आ रही होगी बहुत गंदी, 4-5 बजे सोने का टाइम होता है इसका। कोई नहीं गाइस, इसको अभी पहले एक बार झूला झुलाते हैं, ठीक है? इधर देख, पापा को पुच्ची मिलेगी तो झूला मिलेगा, और अगर पापा को पुच्ची नहीं मिलेगी तो झूला नहीं मिलेगा। बता जल्दी बता तेरा डिसीजन क्या, जल्दी बता, चाहिए चाहिए तो इधर देख, मेरी तरफ देख, पुच्ची तो दे दे पापा को, दूर से ही दे रही है, इतनी तेज है, जिससे पुच्ची मांग ले ना ऐसे ऐसे ट्रीट करती है जिसकी जान मांग लियो। सही में लिप्स पे पप्पी नहीं देगी, पूरे फेस पे ले ले, मेरे भी नहीं देती लिप्स पे, तो बड़ा गुस्सा आता है, इसको मिटा लेती है। हम खाएंगे अब मैकडी का पिज्जा बर्गर, नहीं मैकडी में तो सारे बर्गर, मैकडी का खाएंगे हम बर्गर, ये तोतला भी है बताओ गाइस, हम खाएंगे मैकडी का बर्गर, फ्राइज फ्राइज तोतला भी है ये। मेरे से पता क्या कहता है गाइस, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पर्सनल चीज है, ये कहता है मेरे से कि मेरे से ना एक बार ही बोल दिया कर, 4 बार मत बोला कर, इतना बहरा आदमी 4 बार बोलती तो 5वीं बार सुनता, फिर कहता तू चिल्लाती क्यों है, ये हमारी लड़ाई इस बात पे। ऐसा आपके साथ भी होता है कि इसके कान पे बोलती रहती, शक्ति ये काम मत कर ये कर ले, पर मजाक ही अगर सुन ले तो 5वीं बार सुनेगा, फिर कहेगा चिल्ला क्यों रही है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है क्या। निया ने अपनी गाड़ी चेंज कर ली है गाइस, उस पे मजा नहीं आएगा आज, कुछ नया ट्राई करते हैं, ये अच्छी है, ये बड़ा अच्छा सा है। क्या तो देखी नहीं रहा, निया के पापा दिख रहे हैं, ये देखो, हाय हाय, ये देखो, मैं जूम करके दिखाती निया को, निया हाय हाय। ओ निया क्या दिख गया भाई, ये तो पागल हो गई लड़की, वो वेगास के अंदर बच्चों का कुछ लगाया हुआ है। सोनम जैसे फूडी लोग इस दुनिया के अंदर कितने सारे हैं, भीड़ देखो एक बार आप, कितनी भीड़ है। निया कॉफी पिएगा, निया की फेवरेट कॉफी जो हमेशा निया मैकडी में आने के बाद ही पीती है, आप पी लो। सब्जी खरीदनी है, ले लिए पापा ने, ले लिए पापा ने, बहुत सारे ले लिए, देखो कितने सारे ले लिए, अब और नहीं लेंगे। निया रोज मेरे को बहाना करके बुलाती है, मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और ये टमी रोल ऑन लेके आती है, फिर पेट पे लगाती है, फिर इसको सूंघती है। 12 बजने को आ गए हैं और ये लड़की 12, कभी कभी जब ये दिन में नहीं सोती है तो ही ये 12 बजे सोती है, नहीं तो फिर 1 या 1.5 उसको बज ही जाता है। एक चीज़ शेयर करनी थी, मैंने इसके टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई थी, सो काफ़ी कमेंट थे कि दी ब्रेस्ट फीड अभी भी निया करती है या नहीं। सो गाइस मैंने
मतलब 2 ईयर्स तक इसने, ब्रेस्ट फीड का क्या मतलब है, बच्चे थोड़ा सा चिपकना चाहते हैं आपके, क्योंकि वो इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि इजीली नहीं छोड़ते हैं। तो अभी क्या है ना, मैंने इसको इतना 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 डांट डांट के या फिर इसको इतना डरा डरा के, इसको इतनी कोशिशों के बाद फाइनली इसने छोड़ दिया और मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि अभी 2.5 साल की होने वाली है निया, तो इतनी समझदार हो गई है ना, तो मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। 2-3 बार मैंने काफ़ी ट्राई किया है। ये प्रमोशन कर रही है फिलहाल टमी रोल ऑन का, तो आप लोग कॉलिक इश्यू है बच्चों के तो प्लीज़ ले लेना। पता है कि पेट पे लगाते हैं ये, देखो की गोली। किसकी गोली है ये? मामा की। किस चीज़ की है गोली? अरे पानी तो लेके आओ, अकेले कैसे खाओ। वो गोली दिख गई मेरी और इसने मेरे मुंह में ना डाली तो इसका दिन नहीं बन सकता। काफी मॉम्स होती हैं जो 3-3 साल तक भी पिलाते हैं बच्चों को, वो अपने ऊपर आपकी चॉइस है, बट डॉक्टर पूरी तरह से मना करते हैं भाई 6 महीने तक लास्ट आपको पिलाना है, बट बच्चों का रहता है ना, हमें करना ही है, फीड की आदत लग जाती है उनको, तो आपको छुड़ाना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी आपको बता दूं देखो बच्चे कैसे होते हैं। निया दूध पीना है आपको, जल्दी आओ। वैसे मैं इतना देर से बुला रही थी, आई नहीं मेरे पास, कभी आती हूँ। देखो ये देखो क्रीम लगा रही है, सारा छोड़ पहले साफ करो फटाफट, मम्मा दूध पिलाएगी। ये देखो देखो स्पीड देखो उसकी। मैं इसको अगर बोल दूँ ना मम्मा मम्मा दूध पिलाएगी तो ये कुछ भी करने को रेडी है, पर इसको पता मम्मा नहीं पिलाएगी। आज मेरा बेटा ऑन ना दूध पिएंगे अपन, इतना बड़ा है तू, ये दिख 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 कितनी जल्दी रेडी हो जाते हैं बच्चे। पापा मैं मेकअप डो पर फेस पे लगाऊंगी, मम्मा के पे लगाऊंगी, मैं तो नहीं लगाऊंगी। सो गाइस अभी वीडियो को खत्म करते हैं भाई यहीं पे, मतलब मेन तो हमारा मकसद यही था आपको ये सब दिखाने का कि भाई बच्चे तो छोटे होते हैं, जिद करते हैं, उनका काम होता है दूध मांगना। एज पर डॉक्टर एज पर WHO रिकमेंडेशन आपको बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाना चाहिए, साल भर भी आप पिला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद आप फूड खिलाओ। बाहर की अगर कंट्री में जाओगे तो 6 महीने तक ही मदर मिल्क को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, तो नहीं है अगर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बच्चों को छुड़ा दो आदत, यही तो बस यही हमारा कंसर्न था कि भाई अब सेकेंड बेबी होने वाला है और इस टाइम हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर उस लिए हमें निया को अभी ब्रेस्ट फीड छुड़ाना पड़ा। मतलब इसको पीना, मतलब अभी भी पीने के लिए तो आती है और वो भी पीती कितने सेकंड है, ये 5-10 सेकंड पिएगी, तो स्टिल हम इस चीज़ में कामयाब हो गए कि हमने फाइनली निया को अब दूध पिलाना छुड़वा दिया। तो अब वही वाली जर्नी सोनम की तो स्टार्ट रहेगी, इसका तो पीछा छूटने वाला नहीं है। दो बच्चों के बाद ना एक बच्चा भी पैदा नहीं करेंगे हम, कोई ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, और टेंशन ना लो, धीरे धीरे कोशिश करते रहो, कोशिश के आगे जीते, बाय बाय, टेक केयर। ये देखो फोन तलाओ मम्मा, फोन तलाओ, क्यों तलाओ, क्यों चलाओ, 2 मिनट देखूंगी। ये देखो प्रॉमिस कौन करेगा मम्मी से, डन पक्का, देख लो छीन लूंगी। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, और मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सो जाओ और हम भी सोने जा रहे हैं, मेरी तो हालत बहुत खराब हो रही है।